हिट और फ्लॉप से एक्टर को कोई मतलब नहीं होता, उसका स्क्रीन से मतलब होता है कि अगर आप 4,500 स्क्रीन पे मोनोपोली करके और अपनी फिल्म रिलीज करते हैं और दूसरी फिल्मों को नहीं आने देते, तो अगर कुत्ते बिल्ली की भी पिक्चर होगी वो भी 20 से 30 करोड़ कमाएगी, ये फैक्ट है। बड़े बजट की जो फिल्में आ रही हैं उसमें हमें तो मेन लीड में तो नहीं लिया जाएगा, ये तो फैक्ट है, बट जितना भी हमें चांस मिलता है उसमें कोशिश करते हैं कि क्या आप परफॉर्म कर सके। कमर्शियल फिल्म से प्रॉब्लम नहीं मुझे होगा, कमर्शियल तो मतलब जो चल रही है वो अच्छा है, बढ़िया है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर उसमें आप फॉर्मूला घुसेड़ रहे हो हर चीज में, एक वही चीज रिपीटेटिव रिपीटेटिव, आपको मालूम है कि यही लोग देखते हैं, वहां पे प्रॉब्लम होती है। सलाहियत गई तेल है ना, यहाँ एंटरटेन करो और सुपरफिशियल लेवल पे एंटरटेन करो लोगों को। दैट्स व्हाट यू फील, दैट्स व्हाट यू हाँ फील। ऐसा ही लग रहा है। जैसे बजरंगी भाईजान की अगर बात करें, रईस की बात करें, किक की बात करें, यू हैड सम फिनोमिनल सक्सेस एज अ कमर्शियल मेनस्ट्रीम एक्टर। आई थिंक मैं मेरा ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे लाइक इतने बड़े बजट की फिल्म है, बड़े बजट की जो फिल्में आ रही हैं उसमें हमें तो मेन लीड में तो नहीं लिया जाएगा, ये तो फैक्ट है। ये तो पिछले और भी एक्टर आए पास्ट में और आके चले भी गए, लेकिन कभी उनको इतना, बट जितना भी हमें चांस मिलता है उसमें कोशिश करते हैं कि क्या आप परफॉर्म कर सके। तो ये आपकी जो जर्नी रहती है कि आप कमर्शियल फिल्म्स को भी बैलेंस आउट करते रहते हैं दैट वेज, और आप लोगों पब्लिक क्या कह रही है उसके बारे में आप बदल नहीं करते, ये आप कैसे बैलेंस आउट करते हैं और कितना आपके लिए जरूरी है कि एक टाइगर श्रॉफ के साथ में भी काम करना और एक आप अनुराग कश्यप के साथ में भी काम करना। एक मुझे हमेशा इस चीज का थोड़ा सा कंफ्यूजन अब नहीं रहा, पहले था कि कमर्शियल फिल्म में जरूरी नहीं कि कंटेंट ना हो, और जरूरी नहीं जो कंटेंट ड्रिवन जिनको हम बोल रहे हैं फेक कंटेंट ड्रिवन फिल्में हों, और वो बहुत ही अजीब सी होती, कंटेंट के नाम पे भी हम बहुत फ्रॉड कर रहे हैं, उसमें भी वो फॉर्मूला घुसा देते हैं। बेसिकली मुझे फॉर्मूले से प्रॉब्लम है, और ये बहुत सारी कमर्शियल फिल्में हैं जैसे बजरंगी भाईजान है, इस तरह की फिल्में हैं, चक दे थी, इस तरह की फिल्में हैं, तो जो बहुत ही कंटेंट ड्रिवन फिल्में थी वो अगर देखा जाए, लेकिन राइट के नाम पे हम अगर हम फॉर्मूला बना रहे हैं उसमें तो वो भी एक गलत है, एक रिपीटेटिव चीज बनाए, जैसे आजकल फैमिली वाला चल रहा है, एक दादी, एक माँ है, एक बहन है, और शादी है, और ये है, वो है, उस तरह की चीजें हैं, तो वो भी एक फॉर्मूला बन चुका अभी कि जो इजी ईज है और जो चल रहा है उसको पकड़ के वो इट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला एक्चुअली, उससे प्रॉब्लम है। कमर्शियल फिल्म से प्रॉब्लम नहीं मुझे होगा, कमर्शियल तो मतलब जो चल रही है वो अच्छा है, बढ़िया है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर उसमें आप फॉर्मूला घुसेड़ रहे हो हर चीज में, एक वही चीज रिपीटेटिव रिपीटेटिव, आपको मालूम है कि यही लोग देखते हैं, वहां पे प्रॉब्लम होती है। रही बात मेरी कि मैं हर तरह की फिल्में इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने थिएटर में भी हर तरह के प्लेस किए हैं, चाहे वो शेक्सपियर का हो, मॉलियर का हो, रशियन प्ले हो, हिंदी प्ले हो, संस्कृत प्ले हो, या पारसी प्लेस हो, जिसमें बिल्कुल लार्जर देन लाइफ करके हम अपने आप को दिखाते हैं, तो मेरे लिए इस तरह का ही एक्सपेरिमेंट होता है। एज एन एक्टर मुझे भी तो एक्सपेरिमेंट करने हैं कि अगर मैं एक हीरोपंती कर रहा हूँ एट द सेम टाइम मुझे फोटोग्राफ जैसी फिल्म भी करनी होती। लेकिन क्या आप ये नहीं मानेंगे कि दैट जो बहुत बार जो नेगेटिव लीड्स जो होता है वो शायद ज़्यादा सीटियाँ बटोर के ले जाता है, और जैसे अगर हम हीरोपंती टू की बात कर रहे हैं तो उसमें आई थिंक जो एक ये मेन लीड का जो एक कॉन्सेप्ट है कमर्शियल सिनेमा का, क्या आपको लगता है कि वो कुछ हद तक जो है वो हद कुछ हद तक शायद चेंज हो रहा है? आई डोंट थिंक सो, चेंज यू डोंट थिंक सो? नो, अभी भी वो हीरो जो ऑफ कोर्स हीरो हीरो अब मतलब हीरो हीरो होता है टाइप में, वैसा है अभी भी, लोग वैसे ही मानते हैं, और वो तो है अभी भी है हीरो हीरो। पर ठाकरे में आपने मेन किरदार निभाया, बॉक्स ऑफिस भी उसका अच्छा था। हाँ मतलब ऐसे तो मैंने कई कई उसमें मंटो में भी मैंने निभाया किरदार, मेन लीड किया था, बट कितने लोग हैं देखने वाले उसको, वो होता है उस चीज़ को देख के थोड़ा सा वो होता है मैं ये सोच रहा था कि पैंडेमिक के बाद शायद 2 साल के बाद, 2 साल जो हम घर में रहे तो पूरे वर्ल्ड का सिनेमा देखा होगा लोगों ने, तो कुछ सलाहियत आएगी, बट जिस तरह की पिक्चर अभी हिट हो रही है तो ऐसा लगता है कि भाई सलाहियत गई तेल है ना, यहाँ एंटरटेन करो और सुपरफिशियल लेवल पे एंटरटेन करो लोगों दैट्स व्हाट यू फील, दैट्स व्हाट यू फील। ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ जो अच्छी फिल्में आएंगी, जो एक स्मॉल बजट में और मॉडेस्ट बजट में बनी होती हैं, उनको थिएटर मिलेगा भी कि नहीं, उस चीज़ के लिए बड़ा वो है, जद्दोजहद है, क्योंकि आने वाले वक्त में तो बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं,
लाइन लगी हुई है कि एक हल्का सा दरवाज़ा खुले, एक बड़ी फिल्म एंटर हुई, एक दरवाज़ा खुले, दूसरी बड़ी फिल्म एंटर हुई, ऐसा है उसमें। थोड़ा सा सिनेमा का मुझे थोड़ा सा वो होता है कि यार सिनेमा ये तो चकाचौंध है, चौंकाने वाली चीज़ें हैं कि भाई आपने जहाज़ को मतलब पानी में डाल दिया और मतलब मछलियों को आसमान में तैरा दिया, तो ये चौंकाने वाली चीज़ है, विजुअल एक्सपीरियंस है ये जो देखने में मुझे भी अच्छा लगता है, बट वेर इज सिनेमा। देखिए क्या होता है, चाहे शबाना आज़मी हो चाहे और बड़े से बड़े कलाकार हों, उनके लिए नेशनल अवार्ड जब वो व्हेन दे लुक बैक एंड इट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, इट्स समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली प्रेस्टीजियस। अब बताइए मैं क्या क्या बोलूँ, अगर अवार्ड नहीं मिला तो मुझे मिलना चाहिए, मैं तो ये तो नहीं बोल सकता अब अवार्ड नहीं मिला ठीक है, बट मैं आपको एक बार बताऊँ, मैं जब ऑडिशन देता था ना, मैं जब यहाँ पे जी बहुत, मैंने आई थिंक जितने ऑडिशन दिए मेरा कभी ऑडिशन से सेलेक्ट नहीं हुआ, बाद में मैंने ये रियलाइज किया यार ऑडिशन मेरा कौन ले रहा है, तो मैं खुश हो जाता था क्योंकि जो ऑडिशन ले रहा है आई थिंक वो मेरे से ज्यादा एक्टिंग के बारे में नहीं जानता है। अब आपने क्योंकि मैंने इतना इतना हार्ड वर्क किया था अपने काम के ऊपर, मैंने इतना ऐसे प्रिपेयर किया अपने आप को एक्टिंग के ऊपर ना, और जब मैं ऑडिशन देता था जाके और मेरा सिलेक्शन नहीं होता था तो मुझे बुरा कुछ थोड़े टाइम तक बुरा लगा, बाद में मैंने रियलाइज किया, थिंक किया इसके ऊपर कि मेरा ऑडिशन में सिलेक्शन मेरा क्यों नहीं होता। और जब मैंने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा, फिर चारों तरफ से थोड़ा चीजों को देखना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरा ऑडिशन कौन ले रहा था। हिट और फ्लॉप से एक्टर को भी मतलब नहीं होता, उसका स्क्रीन से मतलब होता है कि अगर आप 4,500 स्क्रीन पे मोनोपोली करके और अपनी फिल्म रिलीज करते हैं और दूसरी फिल्मों को नहीं आने देते, तो अगर कुत्ते बिल्ली की भी पिक्चर होगी वो भी 20-30 crore कमाएगी, ये फैक्ट है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर 4,500-5,000 स्क्रीन पे किसी की भी पिक्चर रिलीज कर रहे हैं तो कलेक्शन उतना ही होता है, 20-30-40 crore का कलेक्शन होता है। जैसे आपकी जो आपकी वाइफ का जो किरदार जिन एक्ट्रेस ने निभाया, तो ना वो कन्वेंशनल एक हीरोइन उस तरीके से नहीं है, लेकिन वो हीरोइन है, फिल्म मेकर के प्रेजेंट करने के अंदाज के ऊपर है, तो उसमें सुधीर मिश्रा को वो एक फ्रीडम वो मिलती है यहाँ पर ओटीटी में, तो उनको उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपको लगता है कि ये एकदम नया तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया है सीरियसनेस से? आई थिंक उनका जो तरीका है सुधीर साहब का, क्योंकि बहुत नॉलेज है उनको सिनेमा के बारे में, बहुत एक्सपीरियंस है उनको, और उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत जैसे आपने इतनी अच्छी बात बोली कि उस लड़की को उन्होंने हीरोइन लिया, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की, हमारी इंडस्ट्री में इतना रेसिज्म है, अगर मैं मुझे बड़ी खुशी होगी अगर उस लड़की को वापस से हीरोइन बनाया जाए फिल्मों में। सुधीर मिश्रा ने तो बना दिया, लेकिन जो हमारे यहाँ बड़े लोग बैठे हैं वो अगर उस लड़की को हीरोइन बनाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, कि थैंक गॉड ये रेसिज्म इनके, एक्चुअली नेपोटिज्म से तो नेपोटिज्म नहीं है हमारे यहाँ पे है, रेसिज्म है बहुत बड़ा, तो उससे फाइट करते करते मुझे भी बहुत साल हो गए, और मुझे उम्मीद है कि जो ब्लैक जो या सांवली एक्ट्रेसेस हैं उनको भी हीरोइन बनाया जाए, वो बहुत जरूरी है यहाँ पे। जो ये एक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गोरे रंग या काले रंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि ये जो एक एक खास तरीके का जो इनका वो है कलर को लेके इनका बायसनेस है वो खत्म हो तो ज्यादा बेटर फिल्में बनेंगी। अभी आप नवाब में शिफ्ट हो चुके हैं, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन योर लाइफ, नाउ यू आर लिविंग इन अ लैविश बंगलो, ये जर्नी जो है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही है? बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो आपने जैसी फिल्में आपने किक करी है, या फिर भाई बजरंगी भाईजान करी है, रईस करी है, अनिल शर्मा की जो आपने फिल्म करी थी, आई थिंक दे मस्ट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर यू टू बाय द हाउस दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बाय। ये तो मैंने चार पांच फिल्में की होगी, और मेरा जो बंगलो है उससे भी बहुत महंगा है, ये चार पांच फिल्मों में नहीं बनता वो, राइट? क्योंकि दूसरी फिल्में जो है उनमें भी ऐसे नहीं कि, हाँ ये है कि अगर कोई फिल्म में जो सपोज पैसा नहीं है लेकिन बहुत मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो फिल्म, फॉर एग्जांपल मंटो या तो वो मैंने फ्री में भी की है, कोई पैसा नहीं लिया, और आगे भी ऐसा करूँगा मैं, अगर मुझे लगा कि ये फिल्म होनी चाहिए तो मैं फ्री में भी करने के लिए तैयार हूँ, करूँगा भी, मुझे लगना चाहिए कि फिल्म होनी चाहिए। अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। How do you react to it? इसमें क्या करना है? अगर आप उसको रिएक्ट करना चाहें अपना as नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आप इसमें अगर कुछ अपना ऐड करना चाहें, आप क्या करना चाहेंगे? मैं तो ये बोलता अगर मेरी मैं फिल्म के बारे में बोलता, अगर आप मेरी फिल्मों को
अगर मेरी फिल्म में आपको पसंद नहीं आ रही, इसका मतलब आप ही के अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर तो नहीं है। आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन मोमेंट अब तक का? गैंग्स ऑफ वासीपुर, जिस दिन मुझे फ़ोन आया था अनुराग का जी, उस दैट वॉज द डे, मैं उसको कभी भूल नहीं पाता। ग्रेट। थ्री एक्टिंग टिप्स फॉर अपकमिंग एक्टर्स, अगर कुछ आप तीन एक्टिंग टिप्स देना चाहें अपकमिंग एक्टर्स के लिए तो आप क्या कहेंगे? मैं जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो उसी के हिसाब से बता सकता हूँ। एक तो होप, कभी होप रखें, और लाइक ओरिजिनलिटी रखें अपनी। वाह, दैट्स आई थिंक दैट्स वंडरफुल। ओके, कैन यू मिमिक एन एक्टर? किसी आप एक्टर की मिमिक्री आपने कभी करी है? अगर किसी की आप करेंगे तो कौन होगा वो? मैं देव साहब की करता था जब बचपन में, तो उनका बहुत अच्छा। प्लीज़ अगर आप एक कुछ करके बता सकते हैं। अरे भाई अभी तो नहीं आता, खैर यू स्टार्ट वंडरफुली, हैं बहुत अच्छा स्टार्ट किया था आपने। मैं सोच रहा था ऐसे नहीं, इस तरह का कुछ था। क्या बात क्या बात है। अगर एक वर्ड में आप रिएक्ट करना चाहें जो आप जो रेसिस्ट आपके ऊपर जो कमेंट्स कुछ लोग करते हैं, अभी आपने जब ये प्रमोशन भी किए हैं तो आपने दैट डार्क इन जयपुर एंड जिस तरीके से आपने किया भी है, तो अगर एक वर्ड में अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें उनको, अगर उनको कुछ जवाब देना चाहें तो क्या देंगे आप? किनको? जो आपको रेसिस्ट कमेंट अगर जिन्होंने कभी किया है आपके लिए। हाँ तो मैं तो जवाब दे रहा हूँ, डिमांड में हूँ आजकल मैं। ब्लैक एंड डिमांड, डार्क एंड डिमांड, डार्क एंड डिमांड, रेसिज्म इज नॉट फेयर, रेसिज्म इज नॉट फेयर। वाह क्या बात, डार्क इन डिमांड एंड रेसिज्म इज नॉट फेयर। वाह,